हेलो फ्रेंड्स, मैं हरण प्रताप सिंह, आप सभी लोग आपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में सिंटैक्स के एक्सरसाइज नंबर 3 को स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने नाउन और पैसिव केस से संबंधित कुछ इनकरेक्ट सेंटेंसेस को लिया है, उस इनकरेक्ट सेंटेंस को हम लोग करेक्ट करना सीखेंगे। चूंकि इस ये जो नाउन और पैसिव केस है, ये इस टॉपिक से जो है परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, अधिकांश तो पूछे जाते हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इस टॉपिक संबंधित एक वीडियो जो है ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। ये जो है ये इस टॉपिक संबंधित दूसरा है, एक आग वीडियो और होगा तो पूरा जो है नाउन और पैसिव केस का कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए, यहां पहला है कि हिज पोएट्रीज आर मिस्टिक। अब फ्रेंड्स, इसमें क्या गलत है? देखिए यहां पर जो पोएट्रीज लिखा हुआ है, यहां पर पोएट्रीज नहीं होगा, पोएम्स होगा। तो ये पूरा इस तरह हो जाएगा कि हिज पोएम्स आर मिस्टिक, उसकी कविताएं रहस्यमयी हैं। अब पोएट्री क्या होता है? पोएट्री जो होता है वह पोएम का ग्रुप, पोएम्स का समूह होता है, कविताओं के समूह को जो है पोएट्री बोलते हैं। तो पोएट्रीज नहीं होगा, ठीक है, पोएट्री हो सकता है लेकिन पोएट्रीज नहीं होगा। तो अब यहां पर हम जो है ये इसके स्थान पर पोएम्स लिखेंगे, तो पूरा अर्थ इसका आ जा रहा है कि हिज पोएम्स आर मिस्टिक, कि उसकी कविताएं रहस्यमयी हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा है कि सम थीप हैज एंटर्ड, इसमें कि सम थीप हैज एंटर्ड हाउस, कह रहा है कुछ चोर घर में प्रवेश कर चुके हैं, कह रहा है कुछ चोर घर में प्रवेश कर चुके हैं। अब इसमें क्या गलत है? तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें, देखिए यहां पर लिखा है सम लिखा है, और यहां पर देखिए जब सम लग जाता है तो उसके बाद जो भी नाउन आएगा प्लूरल में आएगा, सम बॉयज, सम गर्ल्स, सम मैन, सम वोमेन, सम प्लेयर्स, तो जब भी आएगा तो प्लूरल में आएगा। तो हम यहां पर थीप का प्लूरल लिखेंगे, और थीप का प्लूरल क्या हो जाएगा? थीप्स हो जाएगा। आप जानते हैं कि जिसके अंत में जो है एफ या एफ ई रहता है, तो हम उसको हटा करके वहां पर भी ई एस जोड़ देते हैं प्लूरल बनाने के लिए। तो इस तरह हो जाएगा सम थीप्स। जब ये प्लूरल हो गया तो यहां जो है वर्ब भी प्लूरल लगेगा, तो हैज न लग करके, यहां पर देखिए हैज लगा हुआ है, यहां पर हैज न लग करके हैव लगेगा, क्योंकि जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल ही होता है। और बाकी सेम उसी तरह एंटर्ड माई हाउस। अब यहां पर देखिए थर्ड है, हर चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम मिजल्स। इसका कि उसका बच्चा खसरे से पीड़ित है, उसका बच्चा खसरे से पीड़ित है, खसरा एक बीमारी होती है। अब यहां पर देखिए ये यहां पर क्या गलत है? तो फ्रेंड्स, इसमें ये मिजल को हमेशा मिजल्स लिखते हैं। दो रोग होते हैं, एक मम्स होता है और एक मिजल्स होता है। मम्स गलसुआ को बोलते हैं और मिजल्स खसरा होता है। तो इनमें ऑलरेडी यस लगा रहता है, ध्यान रखिएगा, इसमें ऑलरेडी यस लगा रहता है, तो हम यहां पर ये यस लगाएंगे, यहां पे यस नहीं है तो गलत है, इसमें यस लगा रहेगा। और इसी तरह मम्स का भी पूछता है, मम्स का भी देता है, तो उसमें से यस हटा के इनकरेक्ट देगा, आपको करेक्ट करना पड़ेगा, तो आप उसमें यस लगाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, दो चीजें हैं, मिजल्स और मम्स, इसमें ऑलरेडी यस लगा रहता है। नेक्स्ट देखिए, यहां फोर्थ है कि द पुअर इज अनहैप्पी, कह रहा है कि गरीब दुखी होते हैं, कह रहा है कि गरीब दुखी होते हैं। अब यहां पर देखिए क्या गलत है? इसमें गलत ये है फ्रेंड्स कि यहां इच के स्थान पर आर होगा। अब आर क्यों होगा? इसलिए होगा कि जब किसी एडजेक्टिव के पहले जब द का यूज होता है तो वह जो है प्लूरल का काम करता है। अब पुअर मीन्स गरीब होता है, जब पुअर के पहले द का यूज हो गया, इसका मतलब द पुअर पीपुल, गरीब लोग, वह पूरी संपूर्ण जाति को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान सुनिएगा, जब एडजेक्टिव के पहले किसी आर्टिकल द का प्रयोग हो जाए तो वह उस संपूर्ण जाति को रिप्रेजेंट करता है। जैसे द पुअर मतलब क्या है? द पुअर पीपुल, गरीब लोग, या द रिच एडजेक्टिव, जैसे पहले द लग गया, द रिच का मतलब द रिच पीपुल, मतलब धनी लोग। तो जब एक से अधिक को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसके साथ वर्ब भी क्या होगा? उसके साथ वर्ब भी प्लूरल में ही आएगा, इसलिए यहां पर आर का यू है, आर का प्रयोग होगा, क्योंकि द पुअर मतलब द पुअर पीपुल है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। लिखा कि माई ट्राउजर्स आर डर्टी, सॉरी ऊपर है माई ट्राउजर आर डर्टी। अब यहां पर देखिए क्या गलत है फ्रेंड्स। अब देखिए यहां पर जो ट्राउजर है, यहां पर ट्राउजर्स हो जाएगा, क्योंकि जैसे ट्राउजर्स है, ट्राउजर मीन्स पाजामा या पैंट होता है, या स्पेक्टिकल्स है, कैंची होती है, टोंग्स है, चिमटा है, या आर्म्स, भीख। तो इसमें क्या है कि इसमें
इसको हमेशा प्लूरल में ही लिखते हैं, इसका प्लूरल फॉर्म ही रहता है, उसमें एस ऑलरेडी लगा होता है, जैसे स्पेक्टिकल्स है, कैचिस में एस लगा रहेगा, या ये ट्राउजर्स है, या टोंग्स, टी ओ एन जी एस, टोंग्स में चिमटा होता है, तो उसमें उसमें क्या होते हैं, दो फलक होते हैं, दो फलक होते हैं, तो इसीलिए इसके साथ प्लूरल की तरह ट्रीट किया जाता है। तो यहां पर जो है, यहां ये ट्राउजर्स होगा और यहां पर आर ऑलरेडी रहेगा, आर इसलिए रहेगा क्योंकि ये ट्राउजर्स, ये प्लूरल, इसका ये प्लूरल फॉर्म है, उसके साथ इसमें दो दो पजामे क्या है, उसमें दो फलक होते हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, सिक्स है कि अशोक्स पेंसिल्स कलर इज रेड, अशोक के पेंसिल पेंसिल का कलर जो है रेड है, अशोक के पेंसिल का रंग लाल है, और इसमें क्या गलत है, तो फ्रेंड्स इसमें देखिए पहली बात कि एक सेंटेंस में दो एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं होगा। एपोस्ट्रोफी जानते किसको कहते हैं, ये जो कामा लगकर के यस लगता है, इसका हिंदी में अर्थ का की या के होता है, जो किसी चीज से संबंध दर्शाता है, जैसे राम की किताब, मोहन का घर, श्याम का स्कूल, तो काकी की के लिए जो लगता है उसको एपोस्ट्रोफी बोलते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर दो है, डबल है, तो डबल का प्रयोग कभी नहीं होता, सिंगल का यूज होगा। तो इस तरह होगा, क्योंकि ऊपर वाले का अर्थ है कि अशोक पेंसिल्स, अशोक अशोक की पेंसिल्स, पेंसिल का कलर जो है रेड है, लाल है, तो इस तरह लिखेंगे कि द कलर ऑफ अशोक पेंसिल इज रेड, इसको इस तरह लिखेंगे, द कलर ऑफ अशोक पेंसिल इज रेड, अशोक की पेंसिल का कलर लाल है, ऐसे लिखेंगे, एक को जो है आपकी मदद से चेंज कर देंगे। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, अगला कि इज योर सीजर्स डल, क्या तुम्हारी कैची डल है, डल का मतलब जो तेज नहीं होती है, जिसमें धार नहीं होती है, तुम्हारी कैची बिना धार की है, तो अब देखिए इसमें क्या गलत है फ्रेंड्स। यहां देखिए सीजर्स, जैसे स्पेक्टिकल्स, सीजर्स, ट्राउजर्स, ये इसमें जो है ये प्लूरल की तरह इसको ट्रीट किया जाता है, तो जब ये प्लूरल की तरह ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि एक कैची में दो फलक होते हैं ना, तो उसके साथ हमेशा वर्ब भी प्लूरल का ही आएगा, तो यहां इज न होकर के यहां पर आर का यूज होगा, तो आर योर सीजर्स डल, इस तरह होगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, ही हैज ब्रोकन द चेस लेग, इसमें कह रहा है कि उसने उसने कुर्सी के पैर को तोड़ दिया है। अब इसमें क्या गलत है फ्रेंड्स, यहां पर देखिएगा, यहां पर जैसे लिखा है ना चेयर्स, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग है, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो निर्जीव चीजें होती हैं उनके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता, सजीव के साथ होता है, निर्जीव के साथ होता है लेकिन उसकी कंडीशन होती है, कंडीशन से क्या होती है, या तो किसी निर्जीव वस्तु का मानवीकरण किया गया हो, अर्थात उसको मनुष्य समझ के उसका वर्णन किया गया हो, या कोई ऐसी वस्तु हो जो समय को दर्शाए, दूरी को दर्शाए, या किसी माप को प्रदर्शित करे, तो हम वहां पर जो है एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा जो है निर्जीव वस्तु के साथ हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे, सजीव के साथ ही लगाएंगे, तो ये जो है ये गलत है, हम इसको आपकी मदद से चेंज कर देंगे। तो इस तरह होगा कि ही हैज ब्रोकन द लेग ऑफ द चेयर, इस तरह होगा कि उसने जो है ही हैज ब्रोकन द लेग ऑफ द चेयर, उसने कुर्सी की के पैर को तोड़ दिया है। आशा करता हूं कि फ्रेंड समझ में आ रहा होगा, कमेंट करके बताइएगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है कि डू नॉट टेक नोटिस ऑफ हिज एडवाइसेस, कह रहा है कि उसकी सलाह पर ध्यान मत दो, इसका अर्थ है डू नॉट टेक नोटिस ऑफ हिज एडवाइसेस, उसकी सलाह पर ध्यान मत दो। अब इसमें क्या गलत है, तो फ्रेंड्स एडवाइस जो है एडवाइसेस को प्लूरल में नहीं लिखते हैं, एडवाइस ही रहता है, एडवाइस नहीं लिखते उसको। हाँ, यदि आपको प्लूरल लिखना पड़ेगा तो उसमें आपको पीसेज ऑफ एडवाइस लगाना पड़ेगा, तो आप इस तरह लिखेंगे डू नॉट टेक नोटिस ऑफ हिज एडवाइस, एडवाइस नहीं, एडवाइस प्लूरल नहीं कहा जाता, एडवाइस ही रहता है, और यदि आपको जो है उसको प्लूरल में लिखना होगा तो आप पीसेज ऑफ एडवाइस लिखेंगे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डू नॉट टेक नोटिस ऑफ हिज पीसेज ऑफ एडवाइस लिखते हैं, एडवाइस नहीं लिखेंगे, ये गलत है। इसी तरह इंफॉर्मेशन होता है, फर्नीचर होता है, तो इनको इनकी इनमें भी जो है यस लगाकर के प्लूरल नहीं बनाते, अगर लिखना पड़ेगा तो पीसेज ऑफ फर्नीचर इंफॉर्मेशन लिखेंगे। टेंथ इसमें कि जिमनास्टिक्स आर गुड फॉर हेल्थ, जिमनास्टिक खेल होता है, कह रहा कि जिमनास्टिक्स स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अब यहां पर देखिए जिमनास्टिक में यस लगा हुआ, कुछ ऐसे सिंगुलर वर्ड, कुछ सिंगुलर नाउन होते हैं जिसमें यस लगा रहता है लेकिन वह वास्तव में प्लूरल, सॉरी सिंगुलर होते हैं, प्लूरल नहीं होते, जैसे जिमनास्टिक है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, तो इसमें एस लगा रहता है लेकिन वास्तव में सिंगुलर होते हैं, एस लगने से प्लूरल या नहीं हो जाएंगे, तो जब सिंगुलर होते हैं तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगा, तो जिमनास्टिक के साथ इज का प्रयोग होगा, आर का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि जिमनास्टिक जो है एक खेल का नाम है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब अर्थात इज लगेगा, तो इस तरह हो जाएगा जिमनास्टिक इज गुड फॉर हेल्थ। फ्रेंड्स ये रहा 10th वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं,
और मैंने आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश की और आपको समझ भी में भी आया होगा। फ्रेंड्स, यदि आप जो है सिंटेक्स के रूल्स नहीं पढ़ेंगे, पढ़े हैं, अधिकांशतः जो है स्कूल में नहीं पढ़ाए जाते क्योंकि आते आते जो है छुट्टी हो जाती है, आपकी प्रिपरेशन लीव हो जाता है, तो नहीं बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। तो यदि आप नहीं पढ़े हैं तो कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं, चिंता करने वाली बात नहीं, बस केवल आप वीडियो को देखते रहिए जो मैं अपलोड कर रहा हूं। निश्चित रूप से आप परीक्षा में आएगा तो कहेंगे, इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरा दावा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, मेरे साथ परीक्षा तक बने रहिए, निश्चित रूप से अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे, ये मेरी शुभकामना है। थैंक यू।